शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अरे तो तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था ना कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है ये तब करने की। तो बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना मम्मी, इसकी हालत देखी आपने। अरे गोली की चोट का घाव भरा भी नहीं था कि कीर्ति को अकेले अपनी जान पे खेल के अस्पताल लेकर गई, और अब ये सब कुछ। उसके पैरों की हालत देखिए आप, छाले निकल आए। मम्मी मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप, जो श्रद्धा के साथ हुआ अगर वो मेरे साथ होता तो आप मुझसे भी ये तब करवाती क्या? अरे तुम क्या बोल रहे हो? अभय, ये तब मैं खुद भी करना चाहती थी, हमारे लिए। वही तो, ये रोक भी तो सकते थे ना, जब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तो। अभय, ये क्या बोले जा रहे हो? माँ है तुम्हारी, कोई डायर नहीं है। और हमने पहले ही पूछा था कि तुमसे ये तब हो पाएगा या नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं की थी हमने। बोलो ना कि हमने तुमसे पूछा था। कोई नहीं, कोई नहीं। एक काम करो, तुम ना बहुत ही कमजोर नजर आ रही हो, तुम जाकर कमरे में आराम करो। तनुजा भाभी तुम्हारे लिए इतना अच्छा सूप बनाएगी कि यूं तुम्हारी कमजोरी भाग जाएगी। हाँ जाओ। अरे पूरी जिंदगी, अरे जिंदगी भर हमारी सास ने हमसे तप और व्रत कराया, अरे परिवार की खुशी और शांति के लिए, वो भी घर के सारे काम के साथ, लेकिन आज तक हमें तो कुछ नहीं हुआ। आपकी जो सास ना, वो हमारी माँ थी, वो अकेले बैठ के ना चखना नहीं चरा करती थी, आपके साथ पूजा पाठ और व्रत भी करती थी भाभी। हाँ हाँ ऋतु, आप तो बोलेंगी ही क्योंकि आप तो बेटी है। अरे बहू का दुख दर्द आप क्या समझेंगी? समझते हैं हम भाभी, और देख भी रहे हमारी बिचारी श्रद्धा, कैसी सास मिली है उसको। अब है, एक बार मेरी बात सुनिए, आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं क्या? अब है, अब है मैं अपनी बात, आराम करने से कोई दुश्मनी है तुम्हारी? आराम से बैठ नहीं सकती एक जगह? ऐसा लगता कोई जंग में जाना लड़ने के लिए तुम्हें। आप ना तो मेरी तरफ देख रहे ना मेरी बात सुन रहे, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मैं मेरी बात तो सुन। अभय जी, वो मम्मी जी की कोई गलती नहीं, मम्मी जी से नाराज मत हुई, ये तब मुझे खुद करना था, माफ कर दीजिए ना। और कुछ? मुझे समझ में नहीं आता, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के ये अंधविश्वास के चक्कर में कैसे पड़ सकती हो? श्रद्धा, बच्चा मुझे भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना दिमाग बंद कर लूं। ऐसे हुआ क्या बच्चा? अभय, जब मुझे गोली लगी थी तो आपने भी मेरे लिए प्रार्थना की थी ना? पर श्रद्धा, बस यही समझिए कि मैं भी हमारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ अभय, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जानते हैं अभय, जब मम्मी जी मुझ पर इतना विश्वास दिखाती है ना,
उसे शक्ति मिलती है कि शायद मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य मिले, मैं भी आपका परिवार पूरा कर सकूं, मैं भी आपको बच्चा दे सकूं। मैं मीटिंग करके आता हूँ और तुम सिर्फ आराम करोगी। कीर्ति बेटा सो गई। अच्छा कीर्ति बेटा, हमने ना आपके लिए बादाम पिस्ता वाली पंजीरी बनाई है, इससे ना आपकी कमजोरी को आराम मिलेगा। और हम और आपकी मम्मी ना मंदिर जा रहे हैं पंडित जी के पास नामकरण का मुहूर्त निकलवाने, जल्दी आ जाएंगे। जी चलते। हम तो रोज रोज इतना थक रहे हैं, ये नामकरण के लिए इतने सारे रिश्तेदार आएंगे तो क्या हम ये चेहरा लेकर जाएंगे उनके सामने? क्या करें? हेलो, हाँ हमें पार्लर में अपॉइंटमेंट मिल सकता है क्या? हाँ आज का ही चाहिए, अभी का मिल जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम आते हैं। दूध पी के ना आराम से सो रही है, वहां लेकर जाऊंगी, वहां तो बहुत शोर शराबा होगा, 4-5 घंटे की बात है, तब तक तो माँ और मम्मी भी मंदिर से वापस आ जाएंगे। हे भगवान, 5 बज गए, पता नहीं ताई जी और मम्मी जी अभी तक आए या नहीं आए मंदिर से, और कीर्ति तो गुड़िया के साथ अकेली है, एक बार पूछ लेती हूँ उससे। हेलो कीर्ति, क्या कर रही है तू? कुछ खाना बना दूँ तेरे लिए? क्या तू पार्लर में है गुड़िया के साथ? और गुड़िया कीर्ति, हे भगवान गुड़िया, गुड़िया रानी मासी आ गई है ना, अब चुप हो जा। हे भगवान, ये तो तेज बुखार है, इसे तो फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। वाह गुड़िया रानी, आपने तो कमाल कर दिया,
आपकी मम्मी का पार्लर का काम भी हो गया और आप रोई भी नहीं। ये गुड़िया कहाँ गई? कौन लेकर गया उसे? माँ, मम्मी, माँ, आप लोग घर आ गए क्या? घर पे कोई नहीं है, फिर गुड़िया को कौन लेकर गया? अले ले ले गुड़िया रानी, अले ले ले। दीदू, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना हमसे पूछे हमारी गुड़िया को कमरे से क्यों ले गई आप? हमारी ना जान निकल गई थी, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप शायद भूल जाती है कि इसकी माँ हम हैं, आप नहीं। बस कीर्ति, अब एक शब्द और नहीं। माँ बनने की जिम्मेदारी पहले सीख ले, उसके बाद हक जताना। अपनी सहूलियत के लिए तो गुड़िया को ऐसे घर पर छोड़कर चली गई थी। पता भी है तुझे, बुखार में कितना तड़प रही थी, कितना रोई जा रही थी। ये ऐसी मां बनना है तुझे? हमें मां बनने की जिम्मेदारी आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। टीचर, हमने पैदा किया इसे, हम सब जानते हैं। सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से मां बनने की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है कीर्ति। तू ऐसे जब चाहे बच्चे को घर पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। पता भी है तुझे, बुखार में कितना रो रही थी। इस वक्त एक बच्चे के लिए उसकी माँ का प्यार ही उसके लिए सबसे बड़ी दवा होती है, और तूने उसको ऐसे बुखार में तड़पता हुआ छोड़ दिया। तुझे पता है कीर्ति, बच्चे के लिए मैं कितना तरस रही हूं, और तेरे पास है, तुझे उसकी कदर नहीं। ये खिलौना समझ के इसे अकेले घर पे छोड़कर चली गई तू। बस तब से हम आपकी सुने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी। कीर्ति, ये क्या तरीका है श्रद्धा से बात करने का? आप पहले हमें नहीं दीदू को डांटिए, वो हमसे बिना पूछे क्यों हमारी गुड़िया को कमरे से बाहर ले गई। पता है, और क्यों लेके गई थी ये भी जानता हूं। अपनी गलती मानने की बजाय तुम श्रद्धा पे चिल्ला रही हो। अरे तुम्हें तो शुक्रिया करना चाहिए उसका कि वो हमारी बच्ची को टाइम पर डॉक्टर के पास ले गई। बस आप सबको बस मौका चाहिए हम पे चिल्लाने का। और दीदू, आपकी गलती तो आज से आप हमारी गुड़िया को हाथ भी नहीं लगाएंगी, हमारी बेटी के पास भी नहीं आएंगी। बस हो गया, चलो। अरे, ये दोनों ऐसे दुखी होके क्यों चले गए? क्या हुआ वरुण बेटा? हमें ये सवाल आप उससे नहीं, कीर्ति से करिए कि आज इसने फिर से कौन सा नया तमाशा किया।
बेटा वाह, बहुत सही कर रहे। भाभी छोड़िए ना अभी। नहीं क्यों, अरे काहे छोड़े हम, अरे हमने इसे जरा सा तप करवाने को क्या कह दिया, इसने इसकी तबीयत के बारे में हमें पता नहीं क्या क्या सुना दिया। अरे हम ये पूजा तुम दोनों के अपने परिवार के लिए करवाना चाहते थे और किसी के लिए नहीं, लेकिन ये लड़की दूसरों के बच्चों के लिए डॉक्टरों के पास भागती फिरती रहेगी, तब इसकी तबीयत ठीक हो जाती है हा? क्योंकि बेचारी श्रद्धा कभी तो गलत हो ही नहीं सकती। और दीदू आपकी गलती, तो आज से आप हमारी गुड़िया को हाथ भी नहीं लगाएंगी, हमारी बेटी के पास भी नहीं आएंगी, बस। मम्मी आपको इसके आंसू नहीं दिखते क्या, ये पूछने के बजाय कि क्या हुआ अब इसे ही सुनाई जा रही है। अरे बेटा इसे तो आंसुओं की आदत हो गई है और उसी के सहारे ये बातों को घुमाती है, लेकिन अभी अगर नैना भाभी इसे नामकरण के लिए नीचे बुलाएंगी ना तो इसके आंसू गायब हो जाएंगे और ये भागती भी नीचे जाएगी वहां काम करने। नहीं मम्मी जी अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं गुड़िया को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, कीर्ति ने मुझे गुड़िया से दूर रहने के लिए कहा है, वही उसकी माँ है ये मैं समझ चुकी हूँ। श्रद्धा सर मैं प्रॉमिस करता हूँ कल सुबह तक आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। I'm really sorry। जी वरुण जी हमने कहा था ना आपको हमारा क्रीम खत्म हो रहा है, नया ट्यूब ले आइएगा, और आपने तो आप लेकर भी नहीं आए, और आप जी सब ओके गुड नाइट। कीर्ति हमेशा मेरी ऑफिस के कॉल के बीच में तुम ऐसे सवाल क्यों करने होते हैं? हमें कोई शौक नहीं आपको परेशान करने का, आपने खुद से जिम्मेदारी ली थी कि हमारा सारा सामान ला कर देंगे, आप भूल जाते हैं तो हमें ही याद दिलाना पड़ेगा ना। यार कीर्ति यहाँ मैं ऑफिस के काम से इतना परेशान हूँ और तुम्हें अपनी ही पड़ी हुई है, अगर ये प्रेजेंटेशन मैंने कल नहीं दिखाई ना तो मेरी नौकरी तक जा सकती है। अरे हर बार यही धमकी दी जाती है, कभी निकाला नौकरी से नहीं ना। लेकिन कीर्ति इसका तो बुखार उतरा ही नहीं। क्या मैं थर्मामीटर लेके आता हूँ। कीर्ति गुड़िया को तो 102 बुखार है। हम तुम्हें समय से दवा दे रहे थे, अब क्या करें? मुहूर्त निकला जा रहा है, कहाँ थे आप? अरे अपनी बच्ची की तरफ थोड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं? ऐसी नौकरी का क्या फायदा कि हमारे लिए टाइम ही ना हो आपके पास। सही कह रही हो तुम, शायद इसीलिए आज मेरी नौकरी चली गई। बच्चे के नामकरण के शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ खबर? मुझे तो पहले से ही पता था, एक ऐसी औरत जिसकी अपनी खुद की गोद सूनी हो उसके अपशगुनी आशीर्वाद से इस घर में लक्ष्मी कैसे आएगी।